वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। श्री गोकुल के रसिया की जय। गौ माता की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। निसाधन जनोद्धार करण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप शिवल्लभ शरण मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। चिरायुष्यमान हरिराय जी बाबा, चिरायुष्यमान दर्शन कुमार जी बाबा एवं सभी उत्साही से वल्लभ चरणानुरागी वल्लभीय वैष्णव वृंद, आज का दिन अति आनंद उत्साह अलौकिक अवसर है। आज एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, आज से दान लीला का प्रारंभ हुआ और आज एकादशी और द्वादशी संग है, तो आज वामन द्वादशी भी आज मनाई जाती है। वामन भगवान का जन्म हुआ, बलि राजा के ऊपर कृपा की, और तीसरा जो उत्सव है आज दस दिगंतर विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज प्रमाण सागर, उनका भी आज उत्सव है। तो सभी उत्सवों की आप सभी महानुभाव वैष्णवों को बधाई बधाई। आज दान एकादशी है, एकादश इंद्रियों को भगवत सानिध्य प्राप्त कराने की एकादशी है। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और अंतकरण चतुष्ट है, उनको भगवत सानिध्य प्राप्त कराने के लिए ये एकादशी है। आज दान एकादशी, दान तो कई प्रकार के हैं और दान जो देता है वो अपनी मालिकी, अपनी सत्ता की वस्तु का दान देता है। दान अनेक प्रकार के हैं और इस दान एकादशी में मुख्यतः व्रज भक्तों के भाव की ये लीला है, जो हमारे भगवती महानुभावों ने पदों के अंदर
बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया हुआ है। व्रज भक्तों के मनोरथ, व्रज भक्तों की भावना, गोपीजन कहती है चलो सखी तहां जाइए, जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि चलो सखी वहां अपन चलें कि जहां ब्रजराज विराजते हों और दो काम अपने हो जाएंगे, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज, कि गोरस भी बिक जाएगा और प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। अंतर में तो यही इच्छा है ब्रज भक्तों की कि हम जिस रास्ते से हम जाएं मथुरा के लिए, तो रास्ते में हमको कृष्ण मिले और हमको उनके दर्शन हो, हमसे मांग मांग कर हमारा दही आरोगे। भावना तो यही है, मन में तो देने की इच्छा है, लेकिन ऊपर से भाव ये बताती है कि हम तो दूसरों के लिए दही लाए हैं और जगह जाकर के हमको बेचना है। और प्रभु कहते हैं कि ब्रज की वस्तु ब्रज में रहनी चाहिए और हम ब्रज के राजा हैं, हमारी आज्ञा के बिना यहाँ की कोई भी वस्तु बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वहां गोपीजन अनेक प्रकार के भाव वाले हैं, सात्विक गोपीजन हैं, राजस गोपीजन हैं, तामस गोपीजन हैं, निर्गुण गोपीजन हैं। जो तामस गोपीजन जो हैं, वो तो हठाग्रह करती हैं, हम नहीं देंगे, और प्रभु उनसे हट करते हैं, उनकी मटकी भी फोड़ देते हैं और उनका दही आप आरोगते हैं, अंदर से प्रसन्न होती हैं। तो ये दान लीला का प्रकार आज का नहीं है, सारस्वत कल्प से चला आ रहा है। और हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी, जिन्होंने इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवत सेवा करने वाले जीव के ऊपर कृपा करने के लिए, आप श्री ने कहा कि जो भगवत सेवा करता है, और वो सेवा तो हम क्या करेंगे, सेवा तो ब्रजभक्त गोपीजनों ने की, महान भगवती वैष्णवों ने की, कि महाप्रभु जी गोसाई जी ने की। लेकिन आप श्री की आज्ञा का पालन करते हुए जब हम ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, तो ऐसे दान लीला का जब समय आ जाता है, तब अपन भी उन गोपीजनों के भाव को हृदय में रखते हुए अनेक प्रकार के दही, मीठा दही है, नून वाला दही है, जीरा वाला दही है, तो वो प्रभु के सन्मुख हम धरते हैं। तो उसका भाव यही है कि ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों से मांग मांग कर दही आरोगा, कहीं हट करके भी आरोगा, कई गोपियों ने तो प्रसन्नता से आरोगा दिए, तो हमको भी यही भाव हृदय में रखना है कि हमारे भी ऐसे भाग्य का उदय कब होगा कि जब ठाकुर जी हमारा दही आरोगेंगे, और वो भी मांग मांग कर आरोगेंगे। पुष्टि भक्ति मार्ग विलक्षण है, और ये तभी हो सकता है कि जीव निस्साधन है, उसके पास ज्ञान का बल नहीं है, कर्म का बल नहीं है, भक्ति का बल नहीं है, निस्साधन है। जीव ने तो मनोरथ करें, पुष्टि जीव ने तो कि हमारी सेवा प्रभु अंगीकार करें, जिस प्रकार से ब्रज भक्तों को, गोपीजनों को आप मांग मांग के आरोगते थे, और आप मांगते थे गोपीजन आरोगाते थे,
तो ऐसे हम भाग्यशाली कब बनेंगे कि हमसे प्रभु मांग मांग कर आरोगे। तो ये दही का प्रकार अलौकिक है, जिसको कहते हैं गोरस। ये एक रस है। और दही कैसे बनता है कि दूध में से, और दूध कहां से आता है तो गाय। तो प्रभु को ये सब बहुत प्रिय है, गाय प्रिय है, गाय का दूध प्रिय है, गोरस प्रिय है, गोपी प्रिय है, तो प्रभु को प्रिय है। आज पुष्टि भक्ति मार्ग में जो वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वह भी इस दान लीला के अंदर दान की पिछवाई लगाते हैं। दान के दिनों में ठाकुर जी को मुकुट धराया जाता है, पर तो शिखा नहीं धराई जाती है, और दही धराया जाता है, गोपीजन को पधराया जाता है, दान लीला के पद आदि गाए जाते हैं, और उस दान लीला का चिंतन करना चाहिए। दानगढ़, मानगढ़, दान घाटी, घेवरबन, सांकड़ी खोर, ये अनेक ब्रज के अंदर अनेक कदम खंडी आदि में प्रभु ने गोपीजनों से दान मांगा है। तो ये भाग्यशाली है गोपीजन कि जिनको अदरामत की प्राप्ति हुई और उनके घर का दान ठाकुर जी आरोगे। ये प्रभु की भक्तों के ऊपर कृपा करने की लीला है, क्योंकि प्रभु के यहां कोई कमी नहीं है। ब्रज के राजा हैं, ब्रज के राजकुमार हैं, नंदराज जी के पास 9 लाख से भी ज्यादा गायें, इतनी गायें, इतना दूध, इतना दही, सब कुछ नंदालय में है, परंतु प्रभु गोपीजनों के घर, गोपीजनों को वन में रोक करके दान लेना, यानी कि उनके घर की सामग्री को अंगीकार करके उनके ऊपर कृपा करना। अदरामत का दान उनको करना। तो ये दान के अवसर में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15-15 दिन तक ये दान लीला चलती है। और ये वर्षा ऋतु में ये दान का समय आता है। तो इस वक्त ऐसे समय में हमको भी अपने घर में अपने माथे बिराज से पुष्टि प्रभु को दान लीला का मनोरथ करना चाहिए। दान लीला के पद गान गाने चाहिए। गोपीजनों के भाव से दही ठाकुर जी को धराना चाहिए। इसमें अनेक प्रकार के भाव बताए, गोपीजनों का मान का मृदंग भी किया है। उन वो जब दीन हो गई है तो प्रभु ने उनके ऊपर कृपा भी की है। तो ये दान लीला का ये समय सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण सभी प्रकार के ब्रजभक्त हैं, गोपीजन हैं, और वो अपने अपने मनोरथों को लेकर के आए हैं। प्रभु अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, और ये भावना रखते हैं कि प्रभु हमको मिले और हमारा दान आप आरोगे। तो ऐसे मनोरथ लेकर के जब गोपीजन अपने घर से व्रज में आती हैं, वन में से निकलती हैं, दान घाटी आदि स्थलों पर, साकड़ी खोर आदि स्थलों पर, और वहां प्रभु छुप करके जब खड़े रहते हैं, और जब वहां से गोपीजन निकलती है तो उनको रास्ता उनका रोक करके हट करके उनसे दान मांगते हैं। भाग्यशाली है वो गोपीजन कि जिनके ऊपर प्रभु ने कृपा करी। आज अपन वही भावना हृदय में करते हैं कि ऐसे कृपा के पात्र हम कब बनेंगे कि जब ठाकुर जी हमसे भी मांग मांग कर आरोगेंगे।
उसके लिए आवश्यकता है कि निस्साधनता की। और ये श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री दमला जी और भगवतियों की भावना का संग करते रहने से वो भाव हृदय के अंदर जागृत होता है कि मैं निस्साधन हूं, मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि जिससे मैं अपने पुष्टि प्रभु को प्रसन्न करूं, लेकिन प्रभु अवश्य अंतर्यामी हैं, आप घटघट की जानते हैं, हमारे मनोरथों को अवश्य सिद्ध करेंगे और प्रभु उनके मनोरथों को सिद्ध करने के लिए सामने से पधारते हैं। प्रभु पधारे वो पुष्टि, जीव भगवान के पास जाता है वो तो मर्यादा, लेकिन भगवान स्वयं जो जीव के पास आवे प्रमेय बल के द्वारा वो पुष्टि। तो ये श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग विलक्षण प्रकट किया कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, दान मान रास खेल जितनी भी लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं का अनुभव पुष्टि भक्त वैष्णव अपने घर में अपने ठाकुर जी के आगे वो लीला का अनुभव करता है। उसके भाव के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार, उसकी भक्ति के अनुसार उसको वो अनुभव अवश्य किंचित मात्रा में भी अवश्य होता है। पुष्टि भक्ति मार्ग में तो मनोरथ और उत्सव तो आते ही रहते हैं और ये दान लीला ब्रज भक्तों के भाव की, गोपीजनों के भाव की ये लीलाएं हैं और उसका प्रमाण हमारे अष्ट सखाओं की वाणी के अंदर मिलता है। दान लीला के पद इतने सुंदर सुंदर पद हैं, गढ़ते उतरी ग्वालिन शीश मही को माट, आड़ो कन्हैया वे रहो रोके ब्रजबधु बाट, नागरी दान दे। तो प्रभु रास्ता रोक करके उनसे दान मांगते हैं, अंदर तो देने की इच्छा है लेकिन उनसे वार्तालाप करना चाहती है गोपीजन, उनकी तोतली वाणी, उनकी मीठी वाणी को सुनना चाहती है गोपीजन और वो वाणी को सुन के गोपीजन मोहित हो जाती हैं और वहां प्रभु उन ब्रज भक्तों का दान आरोपते हैं। तो ये ऐसी हुई लीला, उसका चिंतन जब अपने घर में हम अपने ठाकुर जी के सेवा में होते हैं तो वो लीला का ध्यान करना चाहिए। ऐसे भाग्य हमारे कहां कि हमको वो अनुभव हो। काय ने दुष्ट, क्रिया ने दुष्ट, ज्ञाने ने दुष्ट, भजने ने दुष्ट, अनेक प्रकार से हम दुष्ट हैं, हमको वो अनुभव कहां से हो। परंतु हमको श्री महाप्रभु जी के युगल चरण कमल का दृढ़ आश्रय है, श्री गोसाई जी के युगल चमरण कमल का हमको दृढ़ आश्रय है, दामोदरा सरसानी जी के युगल चरण कमल का आश्रय है और इन भगवती की भावना का हमको आश्रय है। तो अवश्य वो अनुभव प्रभु कराएंगे ही। विश्वास ही मुख्य है, अविश्वास हो न कर्तव्य समता बाजू कस्तु सह, दृढ़ विश्वास हमको रखें कि वो लीला का जो अनुभव हमारे भगवती को हुआ है, पूर्व में भगवती गोपीजनों को हुआ, उसके बाद ही 84-252 भगवतियों को हुआ, तो ये वो पात्रता दमला जी हमारे अंदर प्रकट करेंगे, वो योग्यता प्रकट करेंगे, वो अधिकार अपन को देंगे। स्वकिया से स्वामी जी, परकिया से चंद्रावली जी और उनकी दुती हैं श्री ललिता जी और ललिता जी स्वरूप दामोदर दास हरसानी जी हैं, चंद्रावली जी स्वरूप प्रभु चरण से विठलनाथ जी हैं, स्वामी जी स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। तो स्वामी जी, श्री चंद्रावली जी, राधा सहचरी जी, श्री यमुना जी, ये चारों यूथ, उसमें भी सात्विक, राजस, तामस, अनेक प्रकार के भाव वाले यूथ, उन सब यूथों के मनोरथ कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, सब कुछ करते हुए भी उनका मन प्रभु में था। गुजरात के कवि दयाराम भाई ने कहा
जगत जाने छे आज ये जंजाली राखे प्रीतम सुताली। जगत को तो ऐसा लगता है कि जंजाली है, माया में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, ये क्या भगवान की भक्ति करेगा। परंतु उसका अंतर्मन अंतरात्मा प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भगवतियों की भावना का संग हमारे गुरुवर तातचरण यही आज्ञा करते कि भक्ति की वृद्धि के लिए, भाव की वृद्धि के लिए, प्रभु में प्रेम की वृद्धि के लिए एक तो निसाधनता, दीनता और भगवती की भावना का संग। इसलिए तो आपसे आज्ञा करते कि सभी वैष्णव को नित्य सत्संग करना चाहिए। तो जिससे वो भगवती की भावना का संग करें तो वो भगवती की भावना जो प्रभु का चिंतन करती है, लीलाओं का अनुसंधान करती है, तो उनकी कृपा से भगवती की भावना के द्वारा हमारे अंदर भी वो दैन्य भाव, निस्साधन भाव प्रकट हो, जिससे उस दान की लीला का हम चिंतन कर सके। ये सब लीलाएं हैं, जीव करता है काम और भगवान जो भी करे वो लीला, भगवान की देखा देखी नहीं करना। प्रभु तो जो आज्ञा हमको कर रहे हैं वो आज्ञा का पालन करना, श्री महाप्रभु जी ने जो हमको आज्ञा दी है वही आज्ञा का पालन करना। सेवा कुतर गुरु आज्ञा बाधनम वारिच्छया, जो हमको आज्ञा हुई कि अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने घर में, अपने विरास से पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा में हाथ पवित्र करें, तस सुखात्मक भाव से भगवती सेवा करते रहें, और उस सेवा में भाव की वृद्धि के लिए भगवती की भावना का संग करें, नित्य करें। तो जिससे वो लीला का चिंतन हमको रहे, तो ये 15 दिन दान लीला के हैं। इन दिनों में रोज ठाकुर जी को मुकुट का सिंगार आता है, गोपीजन को पधराया जाता है, दान धराया जाता है, तो ऐसे दान हम भी हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम को धराएं। पर वो सब कुछ करते हुए भी हृदय में भाव प्रेम निस्साधनता वो बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का मद ना हो कि हम ये सब करते हैं ये लोग नहीं कर सकते, नहीं, अपन भी क्या कर सकते हैं। करवाने वाले तो श्री महाप्रभु जी हैं, गुसाई जी हैं, दमला जी हैं, और ये महान भगवती की भावना का संग किया है जिससे हमारे हृदय में भाव जगा है। तुम प्रभु के लिए अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं सेवा में, और तो क्या कर सकते हैं। तो दान लीला अलौकिक है। अधरा मत का दान है, अभय दान है, और वैसे तो सर्व समर्पण कर दिया, पढ़ने अपना कुछ रहा ही नहीं, पर व्रज भक्तों का सर्वात्म भाव है मेरे जो भी कुछ है वो मेरे प्रभु ही हैं, मेरा जो भी कुछ है वो प्रभु का ही है, प्रभु के लिए ही है। बस ऐसी भावना उन व्रज भक्तों के अंदर में है, और उनके हृदय में विरह भी है, ताप भी है, मिलने की आरती भी है। तो ऐसी आरती और ऐसा ताप जब हृदय में प्रकट होता है तो प्रभु सामने से कृपा करके भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो लीलाएं करते हैं। इसे दान लीला हुई है। तो दान लीला का चिंतन करें, बड़ी दान लीला छोटी दान लीला का गायन करें, कैसे कैसे प्रभु वन में कहाँ कहाँ पधारे हैं, ठाकुर जी के साथ कौन कौन है, गोपी जनों के साथ कौन कौन है, ये सब यूथ के यूथ मिल करके अलग अलग यूथ सब वन में से आती हैं दही लेकर के, तो वो आप वो उनको रोक करके आरोपते हैं, मटकी फोड़ते हैं, यानी अहंकार, क्योंकि अहंकार करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में, अभिमान नहीं होना चाहिए, मुझसे तो कुछ भी नहीं बनता है, जो भी कुछ बन रहा है वो आप श्री वल्लभ की कृपा से, श्री गोसाई जी की कृपा से, दमला जी की कृपा से,
और भगवती की भावना के संग से बन रहा है तो ये दान लीला है। वामन द्वादशी की कथा तो भागवत जी में आप ने कई बार सुनी होगी और वहां वामन भगवान पधार करके तीन पग भूमि में सब कुछ मांग लिया, आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन भक्ति जो है वो बलि को हुई प्राप्त और उन्होंने सर्व समर्पण कर दिया। ये भी है आज का। और दस दिगंतर विजयी श्री पुरुषोत्तम जी प्रमाण सागर उनका भी उत्सव है, उनके विषय में भी कहा जाता है कि प्रमाण सागर जब प्रदेश करने धर्म प्रचार के लिए आप पधारते थे तो 36 गाढ़ा ग्रंथों के आपके साथ में चलते थे, ऐसे महान आचार्य को आज प्रागट्य उत्सव है, उनको भी चरणों में वंदन करें। तो दान लीला की भावना विचारें, दान लीला ही पुष्टि है, पुष्टि पुष्टि शुद्ध पुष्टि पुष्टि प्रवाह पुष्टि मर्यादा, तो पुष्टि पुष्टि जो है वो दान लीला ही है। तो दान लीला विशेष क्योंकि आज देखो वामन द्वादशी भी है और दान एकादशी भी है, लेकिन श्रृंगार देखो ठाकुर जी को दान लीला का, पिछवाई देखो दान लीला की, दान धराया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दान लीला मुख्य है, उस लीला का चिंतन करना। तो एक नियम, 15 दिन तक हम ठाकुर जी को दान अरोगाएं, दान लीला का चिंतन करें, दान लीला की भावना करें, भगवतियों की भावना के द्वारा वो अलौकिक भाव हमारे अंदर प्रकट हो, बस यही भावना हम रखते हैं। चिरायुष्मान हरिराय जी महोदय, चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी महोदय, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हों और वो भी सब यही चाहते हैं कि भगवती वैष्णव प्रभु के सन्मुख रहे, भगवदावेश उनके अंदर आवे, भगवत सानुध्य और सानुभाव उनको प्राप्त हो। इस दान लीला का मनोरथ आप सभी वैष्णव अपने घर में करेंगे। आप सभी को महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से कृपा प्रसाद से सबके अंदर भाव प्रेम भक्ति बढ़े और प्रभु के सन्मुख रह सकें, प्रभु को लाड लड़ा सकें। इसी भावना के साथ सभी वैष्णवों को मंगल कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय।